14 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन 14 दिनों में पेट्रोल और डीजल 8 रुपए लीटर से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इस कोरोना काल में लोगों को राहत और रियायतों की जरूरत है, तो दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रही हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा की खास रिपोर्ट। 14 दिन में 8 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी। हर दिन बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ट्रांसपोर्टर्स ने दी चक्का जाम हड़ताल की चेतावनी। माल भाड़ा बढ़ने से उपभोग की वस्तुएं महंगी। कोरोना के साथ साथ एक और महामारी से जंग, आम उपभोक्ताओं पर भारी महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम 7 जून से बढ़ना शुरू हुए जो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 14 दिन में 20 जून तक पेट्रोल डीजल के भाव में 8 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था, अब लगभग 3 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने अतिरिक्त जनता की जेब से वसूली की है। ये समय वसूली का नहीं। एक तरफ कोरोना महामारी की जंग और दूसरी तरफ हमारी सीमा पर पैदा हुई विकट स्थिति, ऐसे में जनता पर बोझ डालना क्या उचित है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डीजल कच्चे माल की तरह होता है। इसके दाम बढ़ते ही रोजाना हजारों लीटर डीजल खरीदने वाले ट्रक ऑपरेटर्स की लागत भी बढ़ जाती है। लागत बढ़ती है तो माल भाड़े में इजाफा होना भी लाजमी है। मजबूरन ट्रांसपोर्टर चक्का जाम और हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो उपभोक्ता वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के दौर में जीवन और रोजगार दोनों मोर्चों पर जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की मार कोरोना से कहीं अधिक भारी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर का जो काम है वो डीजल के ऊपर ही है। हमारा जो 60% का जो खर्चा है तो वो डीजल ही हमारा खर्चा है। हमारे ऊपर इतनी भयंकर माने ये जो मंदी के दौर में जो पतन के कगार पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खड़ा था वो अब डूबने के कगार पे खड़ा है। और कभी भी ये हालात ये हो जाएगी कि मजबूर होके चक्का जाम करना पड़ेगा। हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से कह दिया है, उनसे हमारी मीटिंग चल रही है, और अगर ये डीजल का दाम कर नहीं वापस लिया गया 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में आपको चक्का जाम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाने की स्थिति में ही नहीं है हम। क्योंकि सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था चले पेट्रोल से, पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है, अर्थव्यवस्था थोड़ी चलती है। एक तो आदमी के पास बचत खत्म हो गई मध्यम मार्ग पर के पास, और दूसरा उसका महंगाई का डबल मार किया जा रहा है उसको। पेट्रोल से हर और डीजल से हर चीज़ें बढ़ती जा रही है, डेली के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ताक सब्जी दूध चाय सबके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किल में कोरोना ने डाल रखा है, साथ में पेट्रोल और आ रहा है, तो कमाने के साधन तो लोगों के वैसे ही खत्म हो चुके हैं सब, ऊपर से ये और बढ़ा दिए हैं। सारी चीज़ बेसिक नेसेसिटी है तो सारे व्हीकल्स को चलाने के लिए चाहिए ही पेट्रोल। सब चीज़ की प्राइस बढ़ा रही है, कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को हमारे लिए। वैसे ही हाँ, नौकरियाँ कम है, मार्केट में पैसा नहीं है, ऊपर से सब चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल का कोई सी चीज़ ले लो, सब चीज़ ही महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल पर राज्य को वैट से और केंद्र को एक्साइज ड्यूटी से राजस्व मिलता है। अब एक और लॉकडाउन में सरकारी खजाने में भारी कमी आई है, तो दूसरी ओर हर क्षेत्र से राहत पैकेज की मांग उठने लगी है। ऐसे में सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आम उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल ये है कि उसके पास पेट्रोल डीजल का कोई विकल्प ही नहीं है। सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल आय का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक मोर्चे पर वह कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने उसके लिए मुश्किल बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें उसकी बचत पर तेजी से डाका डाल रही हैं। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 TV।